हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी। चलिए आज हम आपके लिए बहुत ही मस्त मज़ेदार क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ में आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देख रहे हैं कि कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, तो गोदावरी, गोदावरी जो नदी होती है वो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। और आपको बता दें कि इसकी लंबाई जो नदी गोदावरी की लंबाई होती है वो 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और इसका राज्य कौन कौन सा होता है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पंडिचेरी, ठीक है, इतने सारे तो इसके राज्य होते हैं। और महाराष्ट्र के नासिक से नगर से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये पश्चिम में ब्रह्मगिरी पर्वत के एक कुंड से निकलकर लगभग 1450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ओके, तो आपको इसके बारे में बता दिया गया, तो ये क्वेश्चन भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन तो आपको यही पूछ लिया जाता है कि महाराष्ट्र से नासिक से निकलने वाली कौन सी नदी है, तो आप बताओगे गोदावरी। कि कितनी लंबी होती है, तो आप मतलब कितनी दूरी तय करती है, आप बता सकते हो कि 1465, ठीक है, किलोमीटर की दूरी। इसके कौन कौन से राज्य होते हैं, तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, इसलिए मैंने आपको सारे इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे दिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा है, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है, तो बरौनी, ठीक है, बरौनी में तेल का रिफाइनरी कारखाना है। और इसके बारे में आपको कुछ बता दे रही हूँ कि जो बरौनी है वो एक नगर है, ठीक है, वो बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है और ये एक नगर है, ठीक है, और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भारत देश में ही आता है फ्रेंड्स, और इसका राज्य बिहार है और जिला बेगूसराय है। और इसमें कौन कौन सी भाषा जानी जाती है, हिंदी, सॉरी मगही, मैथिली, भोजपुरी, ठीक है, गीगा, उर्दू, अंग्रेजी, इतने सारे मतलब कि उस नगर में भाषा को जाने जाते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किस नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्र प्राप्त हुई, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन को 1776 में अमेरिका से स्वतंत्र प्राप्त हुई थी। और जॉर्ज वाशिंगटन को आपको दिखा दे रही है, जॉर्ज वाशिंगटन जी हैं, ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बता दिया है। चलिए देख लेते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि राजस्थान में जो पेड़ों की पत्तियां होती है काफी स्मॉल होती है और वो मरुस्थली होती है, ठीक है, जैसे कि खेचड़ी या समी। आपने खेचड़ी के नाम से तो नहीं जानते होंगे, लेकिन समी आपने सुना होगा, समी की पेड़। तो समी एक प्रकार का वृक्ष होता है जो थार के मरुस्थल एवं अन्य स्थानों में पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित किससे है, ठीक है। तो अंजू बॉबी जॉर्ज जो थे वो एक एथलेटिक से संबंधित है, जिन्होंने मतलब जो एक चैंपियन थे दौड़ में, वो हमेशा रेस लिया करते थे, मतलब कि छलांग कूद, लंबी कूद, ठीक है, इस तरीके से वो हमेशा इस गेम में पार्टिसिपेट करते थे और बहुत ही अच्छा वो मतलब कि छलांग लगाती थी। जैसा कि आपको बता दें कि 2003 में वो पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में लंबी कूद में उन्होंने पदक जीत लिया था और उन्होंने इतिहास रचा था। साथ में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6 किलो 700 मीटर की छलांग लगाते हुए उन्होंने एक पदक को जीता था। और उनका जन्म 19 अप्रैल 1977 में हुआ था। इनकी आयु जो है वो 42 वर्ष की है और ये चंगनचेरी की हैं। इनके पति मतलब हस्बैंड का नाम रॉबर्ट बॉबी जॉर्ज जी हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है, तो अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा जो है वो विषुवत रेखा के समांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध के बारे में आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का 1526 में और प्लासी का 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था और कब हुआ था पूर्ण रूप से, वो 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिलों में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। और इस युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी तरफ कौन थी, बंगाल की नवाब की सेना थी। और कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर को विद्रोह मतलब कि उसे मारा था। तो तात्या टोपे के सहयोग से रानी लक्ष्मीबाई किसको मारा था, ग्वालियर को मार दिया था। ठीक है, और आपको बता दें कि इनका तात्या टोपे के जी का जन्म कब हुआ था, 1814 में येवला में हुआ था। उनकी मृत्यु 18 अप्रैल 1869 शिवपुरी में हुआ था। और इनकी फोटो आप देख लीजिए, ये तात्या टोपे जी हैं। ठीक है, बहुत ही फेमस इंसान थे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो रंगून में हुई थी। ठीक है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जी की मृत्यु रंगून में हुई थी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी था। ठीक है, इनकी पत्नी महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड, चलिए आइए देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक AO ह्यूम जी थे। ठीक है, ह्यूम जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे फ्रेंड्स, तो श्री राजगोपालाचारी जी थे। श्री राजगोपालाचारी जी जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रीय गवर्नर थे। इनकी बात बता दूं कि ये सिर्फ भारत के गवर्नर ही नहीं बल्कि एक वकील मतलब कि 10 दिसंबर 1978 ईस्वी को थोरापल्ली मद्रास में प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1972 ईस्वी में मद्रास में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका कार्यकाल क्या था फ्रेंड, चलिए आइए जान लेते हैं कि ये प्रेसिडेंस होने के अलावा भी क्या करते थे। देखिए, राजनेता मतलब राजनीतिक में तो रहते थे, साथ में एक लॉयर एक वकील भी थे, एक लेखक एक राइटर भी थे। ठीक है, और स्वतंत्र सेनानी भी थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, उसके साथ साथ यही नहीं फ्रेंड्स, वो मतलब कि इन सब चीज़ होने के बावजूद भी वो प्रथम भी बने और द्वितीय भी गवर्नर जनरल बने। ठीक है, और इन्हें राजगोपालाचारी राजा जी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आपको बताइए कि ये वकील लेखक राजनीतिक और दार्शनिक थे और ये स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल थे। देख लीजिए इनकी फोटो, मतलब कि बहुत कुछ थे, मतलब बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत मेहनत करते तभी इतनी सारी चीज़ों में इनका नाम हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। प्रार्थना समाज की स्थापना फ्रेंड्स आत्माराम पंडुरंग जी ने की थी। इनके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आत्माराम पंडुरंग जी जो थे वो भारत के एक चिकित्सक तथा समाज सुधारक थे। ठीक है, उन्होंने भारत समाज की स्थापना की थी और वह मुंबई प्राकृतिक इतिहास में सोसाइटी के संस्थापक में हमेशा रहा करते थे। और ये इनके बारे में आपको एक चीज बता दूं, देख लीजिए इनकी फोटो है ये। ठीक है, यही है जो हमारे आत्माराम पंडुरंग जी हैं। ठीक है, तो ये चिकित्सक और समाज सुधारक थे और उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या है। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता ग्रामीण स्वायत्तता जी थी। ठीक है, ग्रामीण स्वायत्तता था। उसके बाद रेशम के कीड़े की भोज पदार्थ क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स कि रेशम के कीड़े का भोज पदार्थ क्या है, तो सहतूत की पत्ती। रेशम के जो कीड़े की भोज पदार्थ है वो सहतूत की पत्ती है। मैं आपको सहतूत की पत्ती दिखा दे रही हूँ। सहतूत की पत्ती कुछ इस तरीके से है और इसका कार्यकाल बहुत अच्छा होता है, मतलब कि जो इसके फायदेमंद होते हैं इसके लाभ होते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है हमारे बॉडी के लिए, मतलब हमारे लिए ये सबसे अच्छा डायबिटीज के लिए। ठीक है, सहतूत बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से फायदेमंद। सबसे पहले जान लेते हैं कि शहतूत का बॉटनिकल मतलब कि वनस्पति नाम क्या है। तो इसे मोरस एल्बा एक के नाम से जानते हैं, मतलब इसका बॉटनिकल नेम है और ये एक प्रकार का फल या फ्रूट है। ओके, और ये शहतूत का प्रयोग ज्यादातर सिल्क बनाने में करते हैं। सिल्क तो आप जानते हैं जैसे कि सिल्क साड़ी होती है। ठीक है, सिल्क चीजें होती हैं, तो सिल्क बनाने में शहतूत की पत्ती का प्रयोग किया जाता है। और ये मेडिकल ग्रेड डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। उसके साथ साथ ये एक प्रकार का औषधि है और इसकी पत्ती खाने से खून में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शहतूत की पत्ती में DNG नामक तत्व पाया जाता है जो आंत में बनने वाले अल्फा ग्लूकोसाइड
डेज एंजाइम से मिलकर एक ब्रॉन्ड बनाता है। तो सोच लीजिए फ्रेंड्स कि सहतूत की पत्ती हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज से सहतूत आप खाना शुरू कर दीजिए, ओके। और यह ब्रांड खून में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है, और इसके अलावा DNG लीवर में बनने वाले अतिरिक्त ग्लूकोज को भी ये नियंत्रित करके, ऐसे में सहतूत की पत्ती के सेवन इसलिए भी काफी उपयोगी है क्योंकि 47% फास्टिंग शुगर लीवर में मौजूद ग्लूकोज से होती है, ठीक है। तो इस वजह से हमें शहतूत खाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्या कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पंडुरंग ने, अभी मैंने इसके बारे में बताया, फिर से क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। इसी के बारे में भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण कराया था। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण कराया था, और शेरशाह सूरी जी का जन्म जन्मे पठान जे था, ठीक है। मतलब जन्म से ये पठान थे जिन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। और आपको बता दूं कि शेरशाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में ये काम किया करते थे, मतलब कि बाबर का सैनिक था शेरशाह सूरी, लेकिन इन्होंने पदोन्नति के करके सेनापति बनाया और फिर बिहार के राज्यपाल नियुक्त किया गया। इनका जन्म 22 मई 1545 में कलिंजर दुर्ग में हुआ था, ठीक है। और आपको ओके फ्रेंड्स, तो इनका जन्म 22 मई 1545 में कलिंजर दुर्ग में हुआ था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित था। लोथल में इसका बंदरगाह स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा था। अरुणाचल प्रदेश पूर्वांचल में सबसे बड़ा राज्य कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन असम के किस दिशा में स्थित है। तो उत्तर उत्तर में चीन स्थित है, ठीक है, सॉरी चीन असम के उत्तर में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो असम ऐसा राज्य है, सॉरी ऐसा है जो मध्य प्रदेश के अलावा भारत का 7 राज्यों की सीमा को ये स्पर्श करती है। तो फ्रेंड्स बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि इस तरीके से क्वेश्चन आपको बताया गया जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चन और ऐसे भी थे जो आपकी बॉडी के लिए, मतलब आपके जानना बहुत जरूरी था, जैसे कि सहतूत के बारे में, ठीक है। तो बहुत से लोग होंगे, बहुत लोगों को सहतूत पसंद भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पसंद होगा। तो फ्रेंड्स वाकई में सहतूत की का फल जो होता है अच्छा भी होता है और खाना भी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि आपके लिए जब फायदेमंद है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इसे नहीं खाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।